सभी भाइयों को सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमरान खान फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ भोपाल पिजेंस के अंदर। और आज भोपाल पिजेंस के अंदर अपन नया टॉपिक लेके आते हैं, बीमारी और इलाज के अंदर। भाइयों, एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है बीमारी और इलाज के नाम से, कबूतरों की बीमारी और इलाज। तो उसके अंदर कई अपन ने चीज़ें कवर करी हैं। अभी मुँह खुलने वाली बीमारी कवर करिए, उससे पहले कई चीज़ें कवर करिए, आप उसको खोल के देख लें तो उसमें आपको कई तरीके की बीमारी देखने को मिल जाएंगी और उनके ट्रीटमेंट भी मौजूद है जो आप इजीली कर सकते हैं। तो आज अपन आते हैं, क्योंकि ठंड स्टार्ट हो गई है, ठंडों की जो बीमारी है वो सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, ये सारी बीमारी हैं। तो सबसे पहले पता कैसे लगाएं कि कबूतर को ठंड लग रही है, तो अपन सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये मेरे पास कबूतर है, घर का ही बच्चा है। तो सबसे पहले अगर कबूतर सुन बैठा हुआ है तो सबसे पहले जो चेक करने की चीज़ होती है वो होती है इनके ये तलवे, जो पंजे होते हैं, पंजों के तलवे आप चेक करें। ये पकड़ के नीचे अगर ये ठंडे हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं तो समझ जाइए कबूतर को ठंड लगी है। और दूसरा जो इंडिकेशन है वो होती है अगर नाक बंद है कबूतर की, थोड़ा थोड़े जो नाक बंद रहती है, पीला पीला लगा रहता है नाक के ऊपर, तो ज़ुकाम भी हो रहा है। और इसमें कबूतर थोड़ा थोड़ा सा मुँह भी खुला रहता है कभी कभी बाई चांस, क्योंकि नाक बंद रहती है तो मुँह से सांस लेने में आती है। तो ये दो तीन चीज़ें देखते हैं अपन। और अगर कबूतरों को इसके साथ में ही अपन बात कर रहे हैं अभी तो सिर्फ ठंड की, लेकिन कबूतर का वज़न भी हल्का हो जाता है तो बहुत जल्दी अपन को उसको रिकवर करना रहता है जितनी जल्दी हो सके। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ दो दवाइयाँ बताऊँगा और अलग अलग इंडिकेशन में हैं तो आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो आपको रखना है वो ब्रांड नेम से बता रहा हूँ मैं भाइयों, ताकि आप ब्रांड नेम से जाएं। ये डॉक्सेट करके मैं क्लोजअप देता हूँ और इसके शॉट भी खैर डाल दूंगा मैं दोनों ब्रांड्स के। ये डॉक्सरिड आती है, DOXRID डॉक्सेट करके टैबलेट है, जेनिक की टैबलेट है ये, जेनिक कंपनियों की। और दूसरा अपना मेट्रोजिल 200 और मेट्रोजिल 400। तो ये तीन दवाइयाँ ज़रूर रखना है अपन को। अब जो ठंडों का है, ठंडों में दिखा देता हूँ मैं आपको पहले डॉक्सी टेबलेट का। इसकी ये अपना डॉक्सिट है, इसके अंदर फ़ायदा ये देखिए, डॉक्सीसाइक्लिन है इसके अंदर और साथ में एम्ब्रोक्सोल भी दे रखा है। भाई डॉक्सिट टेबलेट का फ़ायदा ये है कि डॉक्सिट टेबलेट जो है इसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में एम्ब्रोक्सोल दिया गया है। और मेरे हिसाब से जितने भी मैंने ब्रांड चेक किए हैं, नेट पे भी ब्रांड चेक किए हैं, डॉक्सीसाइक्लिन विद एम्ब्रोक्सोल के, एक तो यही कंपनी में आता है और एक और जेनरिक की कंपनी है लेबरेट, तो उसके अंदर आता है। वो कैप्सूल फॉर्म में आता है, ये टैबलेट फॉर्म में है। और बाकी तो कई प्लेन डॉक्सीसाइक्लिन को तो आपको ही कई ब्रांड मालूम है, डॉक्सी आता है, डॉक्सी वन आता है, डॉक्स्ट आता है डॉक्टर रेड्डीज का, जो मैंने बेचा है पहले डॉक्टर रेड्डीज में था पहले मैं एज ए एरिया मैनेजर। तो एन नंबर ऑफ ब्रांड्स है डॉक्सीसाइक्लिन, लेकिन अपन को वो यूज़ नहीं करना। आप चाहें तो यूज़ करके देख सकते हैं, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो रिज़ल्ट एम्ब्रोक्सोल के साथ में आ रहा है डॉक्सीसाइक्लिन के, वो रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है। क्योंकि एम्ब्रोक्सोल जो है वो सांस की जितनी बीमारी होती है, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, ये सब दूर करने में फ़ायदा, एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है और नाक को ओपन रखता है हमेशा, तो नाक खुली रहेगी कबूतर की तो वो जल्दी सर्दी से बाहर आएगा। तो एक तो ये हो गया अपन का सर्दी का ट्रीटमेंट। इसमें देना ये है कि बड़े कबूतरों को अपन चार टुकड़े करेंगे, अगर अच्छे बड़े कबूतर हैं तो चार टुकड़े करके एक टुकड़ा चार दिन तक देना है अपन को। तो आपका एक ही टेबलेट में पूरा ट्रीटमेंट हो गया सर्दी का, कि सर्दी के अंदर ज़ुकाम वगैरह सब उसका दूर हो जाएगा चार दिन के अंदर इंशाल्लाह। और अगर उससे छोटे कबूतर है, साइज़ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं वो हमेशा वेट के हिसाब से दी जाती हैं, जो कि ऑलरेडी अपन कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हैं, पर्टिकुलर राइट डोज नहीं दे रहे हैं अपन, सिर्फ एक अंदाजन दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है, स्टार्टिंग अगर लोडिंग डोज ज़्यादा दिया जाए तो कबूतर जल्दी सही हो जाता है, और नो सिर्फ कबूतर ही नहीं, इंसानों को भी लोडिंग डोज ज़्यादा दिया जाता है ताकि जो बैक्टीरियाज जो ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं वो बैक्टीरियाज को मारा जा सके। और जो जो छोटे कबूतर होते हैं उनको छः टुकड़े करके आप दे सकते हैं, और जो बच्चे हैं ज़ीरो कली के जो बाहर आते हैं खन कूदते हैं और ठंडी में आ जाते हैं, तो उनको आप आठ टुकड़े करके एक टुकड़ा रोज़ दे सकते हैं चार दिन तक। चार दिन से ज़्यादा नहीं देना, चार दिन में पूरा इंशाल्लाह सही हो जाएगा। और दूसरी बात ये आती है कि कबूतरों को जब ठंड लगती है और प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता तो विद इन दूसरे दिन, तीसरे दिन, पाँचवें दिन तक कबूतर
सूखे में भी आ जाता है उसमें, तो अपन को वो भी बचाना है। तो उसके अंदर अपन को ये करना पड़ेगा कि जो टेबलेट चल रही है अपनी, इसके साथ में ये एक अपनी ये भी आती है मेट्रोजेल 200 करके, तो एक टेबलेट का चार चौथा हिस्सा यानी कि चार टुकड़े करके। वो फ्रेंड्स टुकड़े करने का मतलब ये है कि आप ब्लेड लें, ब्लेड से आप टेबलेट को ताकत से दबाएंगे तो चार टुकड़ों में इसीलिए आप कर सकते हैं। तो एक अंदाजन सही मात्रा के अंदर टेबलेट चले जाएगा लोडिंग डोज। तो मेट्रोजेल 200 के चार टुकड़े करके एक टुकड़ा रोज़ देना है साथ साथ 4 दिन तक ही, तो कबूतर सूखे में आने से भी बच जाएगा, क्योंकि अभी सर्दी में आते ही सबसे पहले वज़न कम होता है उनका, खाना प्रॉपर खा नहीं पाते है ना, हाजमा भी गड़बड़ रहता है उनका। तो मेट्रोजेल 200 या फ्लैजिल 200 जो है वो पूरा पेट का निज़ाम को इजीली अच्छा कर देती है, हरी बीट वगैरह सब साफ कर देती है, सही सही कर देती है, क्योंकि मेट्रोजेल जो है मेट्रोनिडाजोल रहता है इसके अंदर, मेट्रोनिडाजोल एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। आपने और हमने देखा होगा कई जगह, अगर आप डेंटिस्ट को दिखाने जाएंगे, कुछ एक्सट्रैक्शन वगैरह करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं डेंटिस्ट का, तो वो मेट्रोजेल 400 की एक गोली ज़रूर लिखेगा कि एक गोली ज़रूर खानी है, क्योंकि अपने जो मुँह के बैक्टीरियाज होते हैं वो एनएरोबिक रहते हैं, यानी कि उन्हें हवा की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि रात भर अपन जब मुँह बंद करके सोते हैं तो एनएरोबिक हो जाते हैं, पूरे पूरे अंदर हवा नहीं रहती अंदर मुँह के, तो वो बैक्टीरियाज बिना हवा के भी ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये फ्लैजिल और मेट्रोजेल 200 मेट्रोनिडाजोल ये एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरियाज के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है ये, तो इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर प्रेफर करते हैं, और पेट की जितनी बीमारियां हैं उसके अंदर पूरी रमा कर देती है ये, तो सूखे से बचा लेगी कबूतर को आने के अंदर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी पूरी लॉफ्ट के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि सारे कबूतर सूखे की तरफ बढ़ रहे हैं है ना, शाइनिंग छोड़ रहे हैं, कई कबूतर उनमें से हो रहे हैं या कई आने वाले लग रहे हैं आपको कि आगे जाके ये भी हो जाएंगे, तो एक बहुत बेहतरीन आपको सलाह देता हूँ मैं, करना आपके ऊपर है कि शाम को जब आप पानी देते हैं कबूतरों को 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, अब मैं उसमें आपको कबूतरों के हिसाब से बताता हूँ। अगर आपके पास 50 कबूतर हैं मान के चलें, 50 कबूतर आप एक छोटी बाल्टी में पानी भर के वो पूरा पानी पीते हैं शाम को, वो फॉर एग्जाम्पल अपन मिसाल के तौर पर बात कर रहे हैं, तो अगर 50 कबूतर हैं एक बाल्टी पानी पीते हैं, तो आप एक टेबलेट लीजिए मेट्रोजेल 400 की, ये मेट्रोजेल 400 है ना, 50 से 60 किलो 70 किलो तक के आदमी के ऊपर एक गोली लगती है ये, तो 50 कबूतरों का वज़न भी तकरीबन इतना ही हो जाता है। तो आप एक गोली लें, इसे बिल्कुल बारीक पीसें और उस पानी के अंदर अच्छे से घोलें, जो पानी आपके कबूतर पियेंगे पूरा पानी, चाहे वो 1 लीटर हो, चाहे 2 लीटर हो, चाहे 3 लीटर हो, चाहे 4 लीटर हो, 50 कबूतर जितना पानी पियेंगे शाम के टाइम, उस पानी के अंदर एक टेबलेट घोलेंगे। तो और अगर 100 कबूतर हैं तो 2 टेबलेट घोलें मेट्रोजेल 400 की, और 150 कबूतर हैं तो 3 टेबलेट, 200 कबूतर हैं तो 4 टेबलेट, और जितना पानी शाम को वो पियेंगे उस पानी के अंदर ये पूरी की पूरी घोलना है, उस पानी के अंदर से जिसमें आप पानी पिलाते हैं फिर वो पानी उसमें डालते जाइए, तो इससे सारे कबूतर आपके महफूज रहेंगे सूखे में आने से। तो एक ये छोटा सा वीडियो था, सीरियस हो जाता हूँ साहब, क्योंकि दवाइयों का मसला कुछ ऐसा होता है कि रिज़ल्ट आना चाहिए, मेरे को रिज़ल्ट मिलते हैं और तब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी रिज़ल्ट मिले, और कई फ्रेंड्स फ़ोन लगा लगा के पूछते हैं, जबकि लोडिंग डोज हर चीज़ में पूरी यहीं पे बता चुका होता हूँ भाई। तो आप वीडियो को पूरे गौर से देखें, समझें उसको, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखें, तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ईजी डोजिंग में अपन बात कर रहे हैं है ना, टुकड़े करने की, ब्लेड से 4 टुकड़े करना है एक टेबलेट के, और सब चीज़ें ऐसे ही करना है। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है भोपाल पिजन्स, और ऐसे अपन पूरे इलाज कबूतरों की बीमारी और फिर उसका इलाज ऐसे बताते रहेंगे छोटी छोटी वीडियोस के अंदर। और कई दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसके अंदर आप ज़रूर जाएँ, जिसमें है कबूतरों की बीमारी और इलाज करके एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर कई बीमारी भी बताई गई हैं और उनके ट्रीटमेंट भी बताए गए हैं, जो कि मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर उस प्लेलिस्ट को चेक करें एक बार, कबूतरों की बीमारी और इलाज को, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर, और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव वेरी गुड डे, जय हिंद जय भारत। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, इसकी चाल देख के बताइए कबूतर सही हो गया कि नहीं है उड़ान में। ये आज 4 घंटे हो गए इसको उड़े हुए,
2-2.5 बजे करीब उड़ा था ये कबूतर, और तब से लगातार चल रहा था। अब जाके आया है शाम के 5:30 बज रहे, तभी वापस आ रहा है। देखिए अभी खुद देख लीजिए ज़रा कि सही चला रहा है कि नहीं, ये देख रहा है बस। बताइएगा भाइयों, जो पिछले साल उतर के आया था 4 बजे, मेरा पहला कबूतर, वो इसी का बड़ा भाई था। माँ दोनों के बराबर है, सेम है, सिर्फ नर का डिफरेंस आया इस बार। नर मैंने अम्बलसरा लगा दिया था, तो बच्चा अम्बलसरा निकला है। बताइएगा भाई कैसे रहे बाजू इसके।